30 करोड़ से NH8 किशनगढ़ ब्यावर अजमेर 6 लेन हुआ कि नहीं हुआ? वो तो हुआ भैया, आपको आप अच्छी तरह से हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ क्या हुआ। 6 करोड़ की लागत से सतलिया चौड़ाईकरण का कार्य हुआ और 27 करोड़ की लागत से 12 सड़कों की सुदृढ़ीकरण हुआ। 2 करोड़ की लागत से 16 किसान सेवा केंद्र हुए और सभी ग्राम पंचायतों के ऊपर आपके ग्रामीण गौरव पथ बने कि नहीं बने। और ये माता मैंने आप लोगों की वजह से था, क्योंकि सड़क के ऊपर इतने कीचड़ वगैरह हुआ करता था, मैंने ये सोचा कि अगर वहां हम लोग एक अच्छी सड़क बना देते हैं तो महिलाओं को अपने पैर गंदे करने की जरूरत नहीं होगी। इसे सोच करके आपको ये ग्रामीण गौरव पथ बनाने का काम किया। और उसी जगह पे बच्चों का सोचते हुए हम लोगों ने हरेक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर 0 से लेकर 12 तक का स्कूल बनाने का काम किया। और इसलिए किया क्योंकि शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर थी राजस्थान में, 26वें पायदान पे थी। हम लोगों ने कोशिश की और 5 साल के अंदर 2 पायदान पे शिक्षा को लाके रखा। आज वो स्कूल जो बने थे हमारे, उन स्कूल के अंदर फुल टीचर्स थे। आप जो हॉस्पिटल बना था उसके अंदर पूरे डॉक्टर्स थे। अपन मैंने इन लोगों को सबको कह दिया था कि जो वादा करा उस वादा के ऊपर अपने को खरा उतरने की पूरी कोशिश करने की जरूरत है। अब इसके साथ साथ कुछ कुछ काम अभी भी करने की जरूरत है। सबसे पहले पेपर लीक नहीं होगा ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने टाइम में जरूर बनाने का काम करेगा। इसकी इंक्वायरी होगी कि कैसे लीकेज हुआ, कैसे मैंने इस तरीके से लीक पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम लोगों को एक दफा उसको बंद करने की कोशिश होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ध्यान बताना चाहूंगी, गहलोत सरकार तो बोलती है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को नौकरी दी है, मुझे तो नहीं मिला कोई। करीबन 1,37,000 लोग ऐसे थे जो ये कह सकते हैं कि उनको नौकरी मिली है। परंतु भाइयों मैं ये कहना चाहती हूँ, उसमें से 1,20,000 ऐसे थे जिनकी नौकरी की तैयारी वगैरह सब हम लोगों ने करके रखी थी। जब सरकार हमारी गई और उनकी सरकार आई तो सब बना बनाया खेल उन लोगों ने आप लोगों के सामने रखा और कहा कि ये काम हम लोगों ने किया है। मुझे आपको ये बताना है कि हमारी सरकार के टाइम में 15 लाख लोगों को, और ये सब गिनती का हम लोगों ने किया है, 15 लाख लोगों को सरकारी और गैर सरकारी काम माने हमने देने का काम किया। और मैं वादा करते हैं हम लोग तो हम लोग उसको पूरा करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है कि हम लोग आपको किसी तरीके से ठगा महसूस होने दें, इसलिए हमने नहीं किया। इन्होंने इसको वादा कहा, आजकल वो गारंटी कहते हैं। आज उन्होंने 7 गारंटी हर पेपर के फ्रंट पेज पे आप लोगों को मिलेगा, रोज सुबह 1-7 गारंटी का पेज। मैं कहती हूँ कि जब इन लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटी तो पूरा करने वाले है नहीं। और इसीलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके इतना निवेदन है कि मेहरबानी करके एक मौका मिल रहा है आपको, एक व्यक्ति आपके सामने एक ऐसा खड़ा है जो दौड़ेगा भागेगा काम करेगा, हम लोगों को परेशान करेगा, परेशान बहुत करता है, मैं आप कह सकती हूँ, ये हम लोगों को परेशान करेगा और परेशान करके अपने काम और आपके काम को ला के जमीन पे करा के देने का काम करेगा। ये पार्टी वो पार्टी है जो आपकी सेवा में खड़ी है, ये पार्टी वो पार्टी है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मोदी जी की वजह से बन चुकी है, ये पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, और ये पार्टी वो पार्टी है जो आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा होगी। ये अकेला नहीं है, ये विधायक बनता है तो अकेला नहीं है, इसके पीछे आपको पूरी लाइनअप देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाहर के हमारे विधायक लोग हैं, हमारे मंत्री लोग हैं, हम लोग हैं। अब आप समझिए, एक विधायक आपको मिलता है और उसके साथ इतने लोग, पूरे पार्टी आप इसके साथ खड़ी हुई आपको मिलेगी। मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, ये है तो हम भी हैं, हमसे भी आपको काम जो भी कराने की जरूरत है वो आप कराने में कभी कभी भी आप लोगों को पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और ब्यावर वालों ने तो हमेशा कराई है ही है, और इसीलिए मैं आज भी विश्वास करके यहाँ जाना चाहती हूँ कि चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल्स हो, इन सब चीजों के अंदर हम लोगों को मेहनत करके फिर से नए राजस्थान बनाने की कोशिश में कहीं कमजोरी नहीं छोड़नी चाहिए। यह हमारे सब कार्यकर्ता बंधु बैठे हुए हैं, मैं उनसे खाली इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि आज के दिन अपने पास 7 दिन बाकी बच रहे हैं, इस 7 दिन के अंदर घर घर फैल जाओ,
ये पीले चावल लेके चले जाओ, उन लोग सबको इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करके सब लोगों को प्यार से उस दिन लाने की कोशिश करो। और मैं विश्वास दिलाती हूँ उसकी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और आपके काम जो रह गए थे 5 साल से रह गए थे वो काम फिर से जमीन के ऊपर आएंगे और फिर से पूरा आपका काम होगा। यही विश्वास के साथ मैं फिर से आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, और इतना याद दिलाना चाहूंगा, इतना ही आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि वादा करते हैं छोड़ते नहीं है। वादा किया था कि राम मंदिर बनेगा, मोदी जी ने वो वादा पूरा किया, आज एक भव्य राम मंदिर आपके अयोध्या में खड़ा हो गया है, और जनवरी के महीने में जो भी वहां जाएगा वो आराम से दर्शन कर पाएगा। और ये एक सबसे बड़ी चीज है जिससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब कुछ कहती है तो करने में पीछे नहीं हटती है। एक दफा और मेरे साथ जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। अब मेरे पास एक माला है भैया, रुक जाओ, मेरे पास माला, मैं पूरी किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो आज मैं इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं ले रही हूँ, ये जिम्मेदारी आपको लेनी है, और इसलिए मेरे हाथ में, रुक जाओ, मेरे हाथ में माला है, आप अगर हाँ करते हो तो मैं माला डालू, तो नहीं मुझे सुननी है, आवाज से मार सुननी है, शांत हो जाओ, आप लोग बताओ ईमानदारी के साथ मैं देव माला, हाँ माला, और आप इसको संभालो, जुटा के लाओ, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सब काम अपने ब्यावर के जरूर होंगे। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।